أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हम कुरान मजीद की आयत नंबर 51 और 57 का तर्जमा और तफसीर आपको बताएंगे। सूरह अद-दुखान कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमानों के लिए इनाम ही इनाम है, जन्नत है और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है। तो आप सुनिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है। परहेज़गारों के साथ किए गए वादे का बयान हो रहा है इस आयत में, और इसके बाद 6 आयत का खुलासा ये है कि बेशक कुफर और गुनाह करने में अल्लाह से डरने वाले ऐसी जगह में होंगे जहां उन्हें आफात से अमन नसीब होगा और उन्हें इस अमन वाली जगह के छूट जाने का कोई खौफ ना होगा, बल्कि यकीन होगा कि वो वहीं रहेंगे। वो इस जगह होंगे जहां बाग और बहने वाले चश्मे बहते होंगे, वहां वो बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे और वो अपनी मजलिसों में एक दूसरे के आमने सामने इस तरह होंगे कि किसी की पुश्त किसी की तरफ ना होगी। जंती इसी तरह हमेशा दिल पसंद नेमतों में रहेंगे और नहायत स्याह और रोशन बड़ी आँखों वाली खूबसूरत औरतों से हम उनकी शादी करेंगे। वो जन्नत में इस तरह बेखौफ होकर अपनी जंती खातमों को मेवे हाजिर करने का हुक्म देंगे कि उन्हें किसी किस्म का अंदेशा ना होगा, ना मेवे कम होने का, ना ख़त्म होने का, ना नुकसान पहुंचाने का और ना कोई अंदेशा होगा। वो दुनिया में वाक़या होने वाली पहली मौत के सिवा जन्नत में फिर मौत का जायका ना चखेंगे। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपके रब के फजल से उन्हें आग के अजाब से बचा लिया और उससे निजात अता फरमाई, यही बड़ी कामयाबी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।